कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का तो एक अध्यक्ष और भी थे, कार्यक्रम तो महासंघ का था, कार्यक्रम महासंघ का था। और महासंघ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, और सरकारी कर्मचारियों का संगठन बोले तो पेट भरे लोगों का संगठन, ये पेट भरे लोगों का संगठन है, जिनके घर में 1 लाख तो उनका आती है, जिनके घर में 2 लाख तो उनका आती है, जिनके घर में क्रीम, जो ये दलित समाज की, दलित समाज की जो क्रीम है, आपने देखे होंगे यहाँ ISB से थे, PCS भी थे, सब सूटेड बूटेड थे बढ़िया। अब विज्ञान भवन में आम आदमी तो प्रोग्राम करेगा नहीं, विज्ञान भवन में कोई गरीब आदमी तो प्रोग्राम करेगा नहीं, विज्ञान भवन का जो खर्चा है, विज्ञान यहाँ पर 500-700 रुपये प्लेट का खाना है, 1000-1200 लोग आए हैं, तो ये पैसे वाले लोगों का प्रोग्राम था। खुशी की बात है, कहते थे कि पैसे वाले लोग जो है वो बाबा साहब की मूवमेंट से नहीं जुड़ते हैं, संविधान से जो उनका अधिकार मिला उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन अब वो आगे आ रहे हैं, तो इसके लिए उनको धन्यवाद है और साधुवाद है। अब तक गाँव में गरीब हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति इस हॉल में बैठ कर संविधान बच जाएगा, समाज बचेगा? देखिए, संविधान इस हॉल में बैठ करके नहीं बचेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर है वो भी जानते हैं, राष्ट्रपति भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इसमें बैठ करके संविधान नहीं बचा, संविधान बचेगा रोड पे आने से। लेकिन अगर कुछ लोग इस संविधान में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा, किससे बचाना है संविधान? कुछ ना होने, देखिए जो आपने कहा कि किससे बचाना संविधान, संविधान किससे बचाना नहीं है, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है, संविधान में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पीछे लोगों को जागरूक करना है। अभी तक संविधान के प्रति कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन जिस संविधान से जिस समाज को बहुत कुछ मिला, SC ST OBC समाज को, जिनको पढ़ने के, लिखने के, खाने के, पीने के, अच्छे मकान में रहने के, धन अर्जित करने के अधिकार नहीं थे, अगर आज वो करोड़पति बने, आज वो अच्छे मकान में रहते हैं, आज उनके पास में लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, तो वो संविधान की वजह से मिली। और जब संविधान की वजह से मिली और प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन अगर विवेक दोबरा ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विवेक दोबरा जैसे लोगों के मन मस्तिष्क में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो चलाचल, जो आज उन्होंने चलाचल संपत्ति इकट्ठा की है, उससे जो उनको बेचैनी हुई है, इसे वो कहते हैं संविधान को बदलो। इससे पहले बीजेपी के सांसद जो रहे उन्होंने नहीं कहा, हेगड़े साहब ने संविधान, उन्होंने जो भी कहा, अनंत कुमार हेगड़े का जिनका नाम आप ले रहे हैं, अनंत कुमार हेगड़े छोटा सा पार्ट था, लोग अक्सर सोचते हैं चल छोड़ो क्या बात करनी है इन पे, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके जो रोज वित्त सलाहकार है, जिसका काम है महंगाई क्यों बढ़ गई, डॉलर का रेट कैसे बढ़ गया, पैसे का रेट कैसे कम हो गया, टमाटर कैसे महंगा हो गया, प्याज कैसे, तो वो रोज डिस्कस करता है। यही तो बात समझ में नहीं आती, आपके लोगों को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, उन्हीं से संविधान का बचाना है और उन्हीं तो अपने मंच पे बुलाते भी हैं आप लोग। नहीं, ये तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए, देखिए ये तो ऑर्गेनाइजर बताएंगे कि उन्होंने क्यों रामनाथ कोविंद को बुलाया, क्यों बीजेपी के नेता को बुलाया, ये वो बताएंगे, क्योंकि लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसमें रामनाथ कोविंद आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता आए हैं और तमाम लोग आए हैं, तो उनका स्वागत है, उनको वो अपनी मर्जी से तो आए नहीं है ना, उनको जो महासंघ की कमेटी है, कोर कमेटी, उन्होंने बुलाया है। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी से ही संविधान को खतरा है, RSS से ही संविधान को खतरा है, और बीजेपी और RSS की पृष्ठभूमि के लोग मंच पर बैठे हैं, तो फिर खतरा किससे है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि खतरा ईमानदारी से बीजेपी और RSS है, तो उनको बुला करके दो, ये समाज के लोगों से भी बड़ा खतरा है। देखिए मेरी बात सुन, उनको बुला करके दो चीज बतानी है कि आप लोग सुधर जाओ, हमारे लोग हम स्ट्रेंथ में हैं, हम ताकत में हैं। दूसरा, एक कहीं ना कहीं एक बात ये निकल करके आती है कि जब तक दुश्मन को आप ताकत नहीं दिखाओगे तो तब तक तो पता नहीं चलेगा। बंद कमरे में यहाँ ये विज्ञान भवन में हॉल में प्रोग्राम हुआ, 1000-1200 लोग थे, अगर ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वक्ता और शेड्यूल कास्ट के ही लोग होते और वो प्रोग्राम करके यहाँ से चले जाते तो बीजेपी को तो पता नहीं चलता, रामनाथ कोविंद को तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ रामनाथ कोविंद थे, आयोग के 2 मेंबर थे और एक बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे, तो वो है थे। अब वो जाकर के बीजेपी के लोगों को बताएंगे, प्रधानमंत्री को बताएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे, कहेंगे कि विज्ञान भवन में हजारों की संख्या में दलित प्रबुद्ध लोग इकट्ठा थे और वो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के अवेयरनेस लोगों में भर रहे हैं, तो उनको अब जागरूक हो जाना चाहिए और तुम्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। संविधान के बारे में कोई बात नहीं हुई यहाँ पर, तो ये जितने लोग मंच पर बैठे थे इनमें संविधान का विशेषज्ञ था कोई? तो जब संविधान का विशेषज्ञ कोई ऐसे वक्ता आपने बुलाया ही नहीं है तो संविधान पर बोलेगा कौन? तो फिर ये संविधान दिवस क्या है? नहीं, संविधान दिवस के मौके पर रामनाथ कोविंद साहब आ गए और 2 आयोग के चेयरमैन, बीजेपी ने इसका ऐलान किया, बीजेपी के कसीदे पढ़ के चले गए वो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि रामनाथ कोविंद साहब अगर दबी जवान में बीजेपी की तारीफ और दबी जवान में कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं तो वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन आदमी जिस पृष्ठभूमि से आता है उस पृष्ठभूमि की छत्र जो उसकी छाया होती है वो हमेशा उसके साथ चलती है। तो ये तो एक गोल गोल घूमने वाला हो गया ना, समाज को दिशा तो मिली ना कोई भी? नहीं, समाज को क्या दिशा मिलेगी? समाज कहते हो बीजेपी से खतरा, दूसरी तरफ कहते हो बीजेपी के लोगों को अपने मंच पे बुला। मेरी बात सुनो, तो ये क्या है? देखिए ये सवाल आप KP चौधरी साहब से पूछे, राजेंद्र जी से पूछे, अशोक कुमार जी से पूछे, ऑर्गेनाइजर, मैं तो एक एज एक्टिविस्ट, आपने मुझसे पूछा कि इसके बारे में आपका क्या विश्लेषण है, तो मैं वो बता रहा हूँ। इसका विश्लेषण ये है, मैं एक्टिविस्ट के रूप में, मैं ना ऑर्गेनाइजर हूँ ना मैं मंच पे था,
मैं जैसे तमाम लोग आए थे वैसे यहाँ था, समाज की पंचायत हो रही, तो हमने सोचा आपको क्या लग रहा है गुमराह किया जा रहा है समाज को? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मैंने तो पर्ची कटवाई नहीं है 10 रुपए की भी इस प्रोग्राम के लिए। जब मैंने पैसा दिया नहीं है तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि समाज को ठगा जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है? टाइम तो दिया आपने भी, टाइम दिया और भी दिन टाइम देते हैं हमारे समाज के लोग, जागरणों में जाकर के टाइम दे रहे, मंदिरों में जाकर के टाइम दे रहे, मैंने अपने समाज के लोगों के बीच में आकर के टाइम दिया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, सच्चाई की बात ये है, सच्चाई की बात ये है, इसको मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रोग्राम भी जरूरी हैं, और प्रोग्राम इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनकी जो गुणवत्ता पे आप सवाल खड़ा कर सकते हो, इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, इनके मंच पर इनको नहीं होना चाहिए था, उनको होना चाहिए था, ये तो आप बात कर सकते हो। मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ, जो हमारे समाज में वर्तमान समय में जो शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी समाज में जिसको बहुजन समाज कह रहे हैं, उसमें जो टॉप लेवल पर एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उनमें एक भी नहीं था मंच पर, लक्ष्मण यादव नहीं था, रतन लाल नहीं थे, इंदु चौधरी नहीं थी, और क्या नाम है, दलीप सिंह मंडल हो सकते थे संविधान बोलने के लिए, और अपने बहुत सारे लोग हो सकते थे, मोहनदास निमेश राय साहब हो सकते थे, चंद्रमा प्रसाद जी हो सकते थे, मैं खुद हो सकता था, राहुल नागपाल। लेकिन शेड्यूल कास्ट में ओबीसी समाज में बहुजन समाज जिसको कहा जा रहा है, उसके जो वर्तमान दौर के जो एक्टिविस्ट हैं वो मंच पर नहीं थे, मंच पर राजनीतिक लोग थे। तो ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक प्रोग्राम था, ये समाज का प्रोग्राम नहीं था समाज में, क्योंकि देखिए इसको समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए, सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो सरकार करती है, गांव में रहने वाले प्रधान जी तो करते नहीं है। तो जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता के लोगों पर दबाव बना करके लोगों का डिमोशन प्रमोशन पोस्टिंग कराई जाती है। तो सरकार के लोगों को बुलाया गया, आयोग के दो चेयरमैनों को बुलाया गया, चौधरी चरण सिंह के पोत्र को बुलाया गया, और लोगों को बुलाया गया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सरकारी लोगों का मामला है या किसी दूसरे को? हाँ, मैं जब आपको एक पहली लाइन में बता दिया कि महासंघ का प्रोग्राम है, ये सरकारी कर्मचारियों का प्रोग्राम है जिनको एक एक लाख दो दो लाख तनख्वाह मिलती है, मैंने पहली लाइन में कहा भरे पेट लोगों का प्रोग्राम है, उन्होंने प्रोग्राम किया क्योंकि आम आदमी के बस की यहाँ प्रोग्राम करना नहीं है, उनके पास पैसा है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है। देखिए, संविधान को लेकर के लोगों को अवेयर करना और संविधान में जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर के लोगों को अवेयर करना, यह हर संगठन की, हर प्रबुद्ध व्यक्ति की, या मैं कहें कि जो संविधान का जानकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को करे। अब जहां तक सवाल इस प्रोग्राम का जो आपने कहा कि इसको लेकर के क्या मैं समीक्षा कर सकता हूँ, तो पहली तो ये बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब आए, उनका धन्यवाद कि वो समाज के बीच में आए और समाज की पीड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी। ये बात अलग है कि जब वो पीड़ा रखी उन्होंने, नहीं, ये बात अलग है कि जब वो राष्ट्रपति थे तो शायद उतनी मुखरता से जब नहीं बोले जितनी मुखरता से वो आज बोल रहे थे, अगर उतनी मुखरता से जब बोलते तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मंदिर में जाने पर उनका अपमान हुआ और उसके बाद जो उनकी खामोशी रही वो खामोशी टूटती, और खामोशी टूटती तो फिर शायद दोबारा जो द्रौपदी मुर्मू के साथ में हुआ मंदिर में वो नहीं होता। हमारे लोगों की दिक्कत यही है, वो चाहे राष्ट्रपति पद पर रहें, वो चाहे किसी नौकरी में रहें, आईएएस पीसीएस रहें, जब तक वो वहाँ रहते हैं तब तक उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद नहीं आते हैं, समाज याद नहीं आता, मूवमेंट याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही उस पद से नीचे उतरते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मानने लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने दबी जवान में, हालांकि पूर्व राष्ट्रपति हैं और उनको अपनी पूर्व राष्ट्रपति की जो गरिमा है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका तमाम पूरा स्पीच रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दबी जवान में बिना नाम लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमलावर रहे और बीजेपी की तारीफ कहीं ना कहीं करते रहे कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, और उस समय की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, तो राष्ट्रपति हैं ये मानता हूँ मैं, लेकिन आदमी जिस पृष्ठभूमि से आता है उस पृष्ठभूमि को वो भूलता नहीं है, और यही कारण है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद ही उनके दिमाग में जो आरएसएस है, आरएसएस की जो कहीं ना कहीं कैडर है वो है, और बीजेपी से वो संबंधित रहे हैं, राज्यपाल रहे, बीजेपी ने उनको राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने उनको सांसद बनाया, बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो जो पार्टी जितना सब कुछ देती है तो सीधी सी बात है उसका आदमी गुणगान भी करेगा।